दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग पुनः अपने पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक, जो कि हम लोग अपर्दनकृत स्थलाकृतियों के बारे में पढ़े थे। शुष्क प्रदेशों में अपर्दनकृत स्थलाकृति ड्राई लैंड फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने ड्राई लैंड्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा अपूर्व जानकारी को रिकॉल कर दे। हम लोगों ने उसमें देखा था कि शुष्क प्रदेश एक AI इंडेक्स के आधार पर, यानी एम इंडेक्स के आधार पर हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन किया था। एम इंडेक्स हम लोगों ने फॉर्मूला का भी शेयर किया था कि एम इंडेक्स इक्वल टू प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवेपोरेशन, यानी शुष्कता शुष्कांक इक्वल टू वर्षण बाय संभावित वाष्पोत्सर्जन। तो इस इंडेक्स के आधार पर हम लोगों ने तीन शुष्क प्रदेशों का चर्चा भी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अति शुष्क प्रदेश को जो 0.05 से भी लेस देन हो, और शुष्क प्रदेश के लिए हम लोगों ने पॉइंट बात किया था, तो उसमें उसका इंडेक्स हम लोग देखे थे 0.05 से लेकर 0.20 तक था। और अर्धशुष्क प्रदेश के लिए हम लोग जो बात किए थे, तो उसमें हम लोग देखे थे 0.20 से लेकर 0.50 तक था। तो ये इंडेक्स के आधार पर हम लोग शुष्क प्रदेशों का स्टडी किए थे कि इस तरह से शुष्क प्रदेश भी कई प्रकार के होते हैं, और उनका हम लोगों ने डिवीजन देख लिया कि अति शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश, इस तरह का क्लासिफिकेशन देखे थे। प्रोसेस के बारे में बात किए थे कि तीन प्रकार का वहाँ शुष्क प्रदेशों में प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग डिप्लेशन का बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने डिप्लेशन को हिंदी में अपवाहन कहते हैं, उड़ाव की क्रिया इसको कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने अपघर्षण के बारे में जाना, एब्रेशन जिसको कहते हैं, जिसमें चट्टान पत्थरों से टकरा कर उसको तोड़ती रहती है, धूल कण पत्थरों से टकरा कर उसको तोड़ती रहती है। एट्रिशन में धूल कण अपने में टकरा कर छोटे छोटे कण बनते जाते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है अपने पिछले क्लास में, थोड़ा सा जाकर देखिएगा, हालांकि उसका थोड़ा वॉयस अच्छा नहीं था, माइक नहीं लगाए थे तो। लेकिन यहाँ पर अब देखिए फिर नया कॉन्सेप्ट हम लोग आते हैं। हम लोगों ने जैसे बात किया था अपवाहन गर्त के बारे में पढ़ा था, और देखे थे कि अपवाहन गर्त कैसे बनते हैं, उसका हम लोगों ने देखा था कि पहले मैकेनिकल वेदरिंग के द्वारा चट्टान रॉक्स कमजोर हो जाते हैं, फिर हवा के द्वारा उसको उड़ा कर ले जाया जाता है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और जो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, वही क्या होता है, अपवाहन गर्त होता है। विभिन्न देशों में इसका अलग अलग नाम है, तो ये सब हम लोगों ने वहाँ पर देखा था पिछले क्लास में। और इसके अतिरिक्त हम लोग इंसेंबर के बारे में बात किए थे कि जहाँ कोमल और कठोर शैलें होती हैं, वहाँ पर कोमल से भर जाती हैं और कठोर से टीला के रूप में रह जाती हैं, जिसे इंसेंबर कहते हैं। इसे बोनाहट भी कहा जाता है, क्योंकि बोनाहट में इसको खोजा था। मशरूम रॉक्स के बारे में भी हम लोग देखे थे कि 20 सेंटीमीटर से ऊपर कटाव ज़्यादा होने लगता है, 182 सेंटीमीटर के नीचे ज़्यादा कटाव होता है, और इस प्रकार से देखेंगे कि मध्यवर्ती भाग पड़ जाता है और ऊपर छत्ता के रूप में एक रॉक्स बन जाता है। बॉटम उसका चौड़ा रहता है, क्योंकि बॉटम में छोटे छोटे कण रहते हैं, जिससे उतना नहीं टूट पाता है। इस तरह से मशरूम रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ज्यूजन के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इंक उल्टा इंपोर्ट के रूप में वहाँ हम लोग का ज्यूजन बनता था, और ज्यूजन कोई छोटा सा इंपोर्ट टाइप का नहीं है, वो 90 फीट से लेकर 120 फीट तक है, यानी लगभग 30 मीटर से वो ज़्यादा बड़ा साइज में होता है, लेकिन वो उल्टा इंपोर्ट के थ्रू रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए उसमें मैंने बताया था कि कठोर सेल ऊपर होती है, कठोर सेल फिर सनरेज वगैरह से वेदरिंग वगैरह होकर टूट जाता है, और हवा उसको उड़ा कर ले जाती है, छोटा सा एक गड्ढा बनाता है, उसमें ड्यू आ जाते हैं, फिर दिन में ड्यू उड़ जाते हैं, और वहाँ पर उसका धीरे धीरे रॉक्स कमजोर हो जाता है, जिसको हवा ब्लो आउट कर ले जाती है। तो इस तरह का चीज़ें हम लोग वहाँ पर देखे थे, और ये लगातार प्रोसेस होते होते उसमें आप देखेंगे सॉफ्ट रॉक्स को ज़्यादा काट देता है, जिससे थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होने जाता है, फिर उसको थर्ड लेयर्स पे जाकर, थर्ड लेयर्स पर फिर से जब उसको हार्ड रॉक्स बनता है तो वहाँ कम कटता है, जिससे उल्टा इंपोर्ट के थ्रू रूप में वहाँ हम लोग को दिखा था। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। यार्डांग का हम लोगों ने बात किया था कि यार्डांग कैसे बनते हैं, तो वहाँ पर वर्टिकल सॉइल होती है, जब सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक्स वर्टिकली स्टैंड होते हैं तो उसमें सॉफ्ट रॉक्स जल्दी से कट जाते हैं और हार्ड रॉक्स ऊपर आपको दिखाई देंगे, और इस तरह से ज्यूजन बन जाता है। इसी प्रकार से डिमोसिलस के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डिमोसिलस में आप देखेंगे कि क्या होता है,
जहां सॉफ्ट रॉक्स को हार्ड रॉक्स का कवरिंग होता है वो रॉक्स तो बच जाएगा, उसके आसपास के कट जाते थे, तो इस तरह से डिमोसिलस बन जा रहा है। आज मेरा टॉपिक का मेन पॉइंट है इरोजनल लैंडफॉर्म्स का ही कंटिन्यू हो रहा है हम लोग का, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ये हम लोग कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में यहाँ हम लोग बात करेंगे ड्राई कांटर। तो हिंदी में भी इसका नाम ड्राई कांटर ही है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ नाम अलग है, ड्राई कांटर ही इसका नाम है हिंदी में भी। ये देखेंगे इस तरह का फेस ये होता है, फोर फेस होता है इसमें, एक साइड ये हो गया, दो साइड नीचे, तीन साइड और एक पीछे बैक साइड, दिख नहीं रहा, 1 2 3 फेस और फोर्थ फेस बिहाइंड में है, बिहाइंड पीछे, तो इसमें फोर फेस होता है। चार सतह होते हैं इसमें। यहाँ पर तो ये कैसे बनता है, देखिए जब पथरीला मरुस्थल है, आपका पथरीला मरुस्थल एरिया में, मरुस्थल में पथरीला भूभाग है, पथरीले मरुस्थल में हवा के द्वारा चट्टान टूट जाने से उसके कई रूप हो सकते हैं। और जब हम लोग ये भी जानते हैं कि पवन का, चूंकि इसमें मूल एजेंट पवन है, पवन इरोजन का मूल एजेंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पवन का जो डायरेक्शन होता है वो अनिश्चित होता है, पवन कब पूर्व बहेगा, कब पश्चिम बहेगा, वेस्ट में बह रहा है, ईस्ट में बह रहा है, साउथ में बहने लगा, नॉर्थ में बह रहा है, तुरंत डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज होने से ये सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि डायरेक्शन चेंज होने से रॉक्स कई स्टेप में पड़ जाते हैं। अब मान लीजिए कि जब ये कई दिशाओं से हवाएं चल रही हैं, तो वो कभी इधर का कट गया, कभी दूसरे साइड का रॉक्स कट रहा है। मान लीजिए इस तरह का रॉक्स है, रॉक्स पहले ऐसा था, पहले इस साइड से हवा चल रही थी, ये सेक्शन गया, ये साइड से हवा, फिर इधर से हवा जब चलने लगी तो ये सेक्शन चला गया, ऐसे मान लीजिए हवा इधर से आ रही, जब हवा इधर से आ रही लगातार इस तरह से आ रही, तो धीरे धीरे करके लॉन्ग पीरियड में, बहुत लंबा समय में, इधर का चट्टान पड़ गया, ये चट्टान पड़ गया, और आप देखेंगे पीछे का इसी तरह से, पीछे के साइड का कट गया, सामने का साइड का कट गया, इस तरह से लगातार लॉन्ग प्रोसेस में, बहुत लंबे समय में ये इस तरह का फेस, चार फेस लिए हुए आ जाएगा, जिसको हम लोग ड्राइकांटर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ड्राइकांटर समझ गए होंगे। मूल रूप से अगर मान लीजिए आपको परीक्षा में लिखने होने के आगे मीन्स के परीक्षा में, तो ड्राइकांटर में आप क्या लिखेंगे कि एक पथरीली मरुस्थली भूमि भूभाग होती है, जहाँ पर पवन कई दिशाओं से चलती है, पवन के कई दिशाओं से चलने से कुछ पत्थर बोल्डर शेप में आ जाते हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर रहते हैं, कोई छोटा छोटा नहीं, वो पत्थर में चार फेस दिखने लगता है, बड़ा बड़ा टीला चार फेस में दिखने लगते हैं, जिसको हम लोग ड्राइकांटर कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं ड्राइकांटर, हम लोग को समझ नहीं आ गया होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, वेंटिंग फैक्ट के बारे में। वेंटिंग फैक्ट क्या है, थोड़ा इसको देख लें, वेंटिंग फैक्ट ये भी इसी से रिलेटेड है। वेंटिंग फैक्ट हिंदी में भी इसका नाम वेंटिंग फैक्ट ही है, कोई अलग नाम नहीं है, वेंटिंग फैक्ट ही हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं। तो वेंटिंग फैक्ट में क्या होता है, इसमें ईट फेस होता है, जैसे ड्राई कांटर हम लोग फोर फेस देखे थे, फोर फेस टाइप का रॉक्स बनता है, वेंटिंग फैक्ट में ईट फेस कटता है, यानी हवा यहाँ पर और भी ऑन डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी अनिश्चित उसकी दिशा है। और जब मान लीजिए कि पवन कई दिशा से चल रहा है, तो उसका ऑक्टेंगल टाइप का बन गया है, ऑक्टेंगल टाइप का रॉक्स बन गया, उसमें ईट फेस टाइप के बोल्डर रॉक्स कटे हुए टाइप के आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे में जब कई दिशा से हवा चलकर रॉक्स का फेस या कोई बड़ा टीला है उसका ईट फेस में आ गया है, तो उसको हम लोग वेंटिंग फैक्ट कहते हैं। बड़ा आसान है यार, कोई कठिन नहीं है, देखिए अगर कृपा पर समझ लिया तो एग्जाम में आराम से निकलेगा। अगला पॉइंट है जालक या जालीदार शिला कहते हैं इसको हिंदी में, जालीदार। तो ये आपका जालीदार शिला होता है, इसको कभी कभी हिंदी में भी, हिंदी वाले मीडियम में देखेंगे, अजिस्मक भी कहते हैं, अजिस्मक शिला। तो इस तरह से
अहिस्मक शिला भी इसका कभी कभी नाम पड़ता है, अहिस्मक शिला, इसको स्टोन लैटिस कहते हैं, स्टोन लैटिस। ये कब बनता है? जैसे मान लीजिए कि एक किला है, एक ऐसे किला पड़ा हुआ है, किला पड़ा हुआ, हवा इधर से आ रहा है, हवा का दिशा ये है, हम लोग इधर थोड़ा सामान लेते हैं कि विंड डायरेक्शन इस साइड से आ रहा है। वैसे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, विंड डायरेक्शन डेजर्ट में चेंज होता रहता है, इसी साइड से चल सकता है। यहाँ पर जो प्रोसेस है, प्रक्रम जो महत्वपूर्ण है वो है अपघर्षण। अपघर्षण प्रोसेस महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एब्रेशन कहते हैं, एब्रेशन। तो एब्रेशन होने से क्या होता है? एब्रेशन में देखेंगे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आकर इससे, इस रॉक से टूट टकरा रहे हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आकर यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे टकरा रहा है। और ये रॉक्स कैसा बना हुआ है? रॉक्स में सॉफ्ट और हार्ड कंटेंट दोनों मिक्सअप है। सॉफ्ट और हार्ड कंटेंट यानी ग्रेन्यूल इसमें दोनों मिले हुए हैं। ये रॉक्स सॉफ्ट से भी बना, उसमें सॉफ्ट कंटेंट भी है, हार्ड कंटेंट भी है। तो एब्रेशन से जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आकर इससे टकरा रहे हैं, वो क्या करते हैं, सॉफ्ट रॉक्स को निकाल के बाहर कर देते हैं, जिससे इसमें आपको देखेंगे जाली टाइप का दिखने लगे। जैसे हम लोग का चमी वगैरह, सीव वगैरह में देखेंगे छोटा छोटा छिद्र जैसा दिखने लगा, वैसा ही सीव या चलनी की तरह दिखने लगता है सामने से। और इस तरह से देखेंगे जब चलनी की तरह छोटे छोटे छिद्र हो गए, वो छिद्र कैसे बन गए, वो आकर बड़े बड़े पत्थर आके लगातार उसके उससे टकरा रहे हैं, अपघर्षण कर रहे हैं, उससे एब्रेशन कर रहे हैं। तो एब्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो जाली टाइप का दिखने लगा वो रॉक्स। तो जब जाली टाइप का दिखने लगता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जालीदार शिला कर देते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, जाली शिला हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाए, अब हम लोग एक और हम लोग के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरेजनल लैंडफॉर्म्स में, ड्राई इरेजनल लैंडफॉर्म्स है ये। देखिए हम लोग सब ड्राई के बारे में बात की है, पूरा मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। ईयरफोन से जो चार वीडियो डाले हैं उसमें उतना आवाज़ अच्छा नहीं आया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ईयरफोन से देखेंगे तो अच्छा से सुनाई पड़ेगा। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं पूल और खिड़की, पूल और खिड़की। तो ये है पूल और खिड़की, हिंदी में इसका नाम है, हिंदी में इंग्लिश में इसका नाम है ब्रिज एंड विंडो। आप जानते हैं ब्रिज, ब्रिज एंड विंडो, ब्रिज एंड विंडो। तो देखिए फिर वही हम लोग जालीदार शिला को ले लें, पहले जाली इसमें बन चुका है, जाली टाइप का बन चुका है, और वही प्रोसेस अपघर्षण इम्पोर्टेंट है, एब्रेशन यहाँ पर चल रहा है, एब्रेशन कंटिन्यू है, एब्रेशन प्रोसेस। तो क्या हुआ, लॉन्ग प्रोसेस में देखेंगे सॉफ्ट रॉक्स बिल्कुल टूट के बाहर हो गया, ये देखेंगे रॉक्स में आर पार छिद्र हो गया, ये आर पार इसमें वेंट हो गया, वेंट हो गया अक्रॉस द रॉक्स, अक्रॉस द रॉक्स, यानी चट्टान में आर पार छिद्र हो गया। वो कैसे हो गया, अब्रेशन का प्रोसेस चलने से, अब्रेशन की प्रक्रिया लंबे समय तक चलने से जालीदार शिले को उसने आर पार छिद्र कर दिया। अब दोनों तरफ से वो दिख रहा है, इधर से देखें इधर से देखें पूरा आर पार छिद्र दिख रहा है, लेकिन पूरा रॉक्स ऐसा नहीं है कि पूरा आपको रॉक्स ही टूट गया है, तो उसमें आपको आर पार टाइप का दिख रहा है छिद्र में। और भी थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए ऐसा है पूरा लंबा प्रोसेस में आपको अजीब टाइप का ये रॉक्स दिखेगा, जाली टाइप का आर पार हो गया लंबा प्रोसेस। तो इस तरह से आपको लंबे प्रोसेस में इस तरह से दिख रहा, और ये क्या हो गया, ये आपका खिड़की हो गया, जो जो वेंट है वो विंडो में बदल गया, आर पार दिख लिया है। खिड़की क्या होता है, आर पार दिखता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आर पार दिख गया, वेंट हो गया ये। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि नीचे में कुछ ज़्यादा सॉफ्ट रॉक्स है, यहाँ पर आपके इस साइड्स में मान लीजिए बहुत बॉटम में नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर ज्यादा कॉमन रॉक्स थे, तो ये क्या हुआ, ये पूरा आपका निकल गया, ये आपका निकल गया, बाहर आ गया,
अब यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से आपका रास्ता टाइप का दिख रहा है, आर्क पर जा सकते हैं, इसमें आप क्रॉस कर सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ऐसा है और इसमें एक आपको दिख रहा है कि ऐसा ये भी दिख रहा है, यहाँ पर तो आर्क पर दिख ही रहा है, यहाँ पर तो आर्क पर दिख ही रहा है और इसमें आप जा भी रहे हैं, तो ये कि आर्क शेप ने आपको दे दिया, आर्क शेप दिख रहा है ऊपर से, तो आर्क शेप जो दिख रहा है इसको हम लोग आर्क भी कहते हैं, इसका नाम भी हिंदी में मेहराब, मेहराब ये मेहराब दिख रहा है ऊपर से, इस तरह से आपको जैसे ब्रिज ब्रिज के नीचे से आप जाते हैं ऐसा ये मेहराब से है, और ऊपर वाला ये जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन है ऊपर वाला, यहाँ से आप क्रॉस भी करते हैं, इससे पार भी कर सकते हैं, तो इस तरह से पुल और खिड़की इस तरह से बनते हैं। तो इरोजन का टॉपिक्स खत्म हो गया, अब आपको मैंने सारे डिग्रेशन पढ़ा दिया, आपको मैंने इंसेल वर्क पढ़ा दिया है, मशरूम रॉक्स पढ़ा दिया है, डिमोसेलस पढ़ा दिया, आपको मैंने यर्डांग पढ़ा दिया, यर्डांग को मैंने विशेष नाम भी बताया था कि आर्थर होम्स ने उसको कॉक्सकॉम कहा, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था 1904 ईस्वी में पसर गए तथा 1905 ईस्वी में डेविस ने कालाहारी डेजर्ट में जो अंतिम साइन होता है लैंडफॉर्म्स का, जो सब चट्टान कटने के बाद जो बच जाता है उसको इंसेल वर्क कहा जाता है, जिसको मोनाडानाक से भी कंपेरिजन किया जाता है, मोनाडानाक जब कि हम लोग रिवर्स में पढ़ते हैं कि जो बच जाता है लास्टली जो लैंडफॉर्म्स बच जाता है उसको मोनाडानाक कहा जाता है, डेजर्ट में वही इंसेल वर्क बच जाता है, वो टीला के रूप में बच जाते हैं, जब सारे वहाँ पर कट के लास्टली पेनिप्लेन बन जाता है तो पेनिप्लेन में भी कुछ टीले मिलते हैं, उसको हम लोग मोनाडानाक रिवर्स में करते थे, यहाँ पर उसका नाम इंसेल वर्क है, तो ये भी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मशरूम रॉक्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, डिमोसेलस के बारे में जान चुके हैं, जीजन हम लोग जान चुके हैं कि ये उल्टा इंपोर्ट टाइप का होता है, बोजिट इंपोर्ट है और कोई ये छोटा सा इंपोर्ट नहीं है, 90 फीट से लेकर 120 फीट तक होता है, मोर देन 30 मीटर तक होता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। इसी प्रकार से हम लोग जीजन के बारे में पढ़े हैं, वो भी जीजन भी कोई छोटा सा ऐसा नहीं कटा रहता है कि बहुत छोटा सा आकृति है जीजन, जीवजन की भी आकृति काफ़ी होती है, चौबीस की जीवजन की भी देखेंगे जो 90 से 120 फीट तो हम लोग उसका ऊंचाई बता ही दिए थे। इसमें जरा सा देखेंगे यार्डांग को मैं बताना चाहता था कि यार्डांग का भी चौड़ाई कम नहीं होता है, 30 से लेकर 120 फीट तक यार्डांग आपको चौड़ा मिलेगी, ऊंचाई उसका 20 फीट तक मिलता है। यार्डिंग में ये चीज़ बात याद रखना है, यार्डिंग और जीवजन में क्या अंतर है, जीवजन हमेशा पैरेलल रॉक्स में होता है, पैरेलल रॉक्स में हार्ड रॉक्स सॉफ्ट रॉक्स, हार्ड रॉक्स ऐसे करके वो लेयर्स के रूप में मिलते हैं, जबकि आपको यार्डांग हमेशा वर्टिकल रॉक्स होता है, वहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स हार्ड रॉक्स वर्टिकली होता है, सॉफ्ट रॉक्स कट के पूरा हट गया और हार्ड रॉक्स का किनारा भी कट जाता है, जिससे वो थोड़ा किनारा वाला उसका कॉम की तरह भी दिखता है, इसीलिए इसका नाम भी हो गया कॉक्सकॉम, अगर वहाँ से देखे किनारा वाला लगता है जैसे कंघी जैसा काट दिया गया है किनारा किनारा, तो कॉक्सकॉम वो भी गया है। तो इस प्रकार से मैं समझ पा रहा हूँ कि अब आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।